का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी। मोदी ने की 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की सहायता के बाद लॉकडाउन 4.0 कैसा रहेगा, उसको बढ़ाने के संकेत दिए और साथ साथ में यह बताया कि देश को आत्मनिर्भर बनाना कैसे बनाया जाएगा। जो ये घोषणाएं की गई हैं, क्या ये सही हैं? क्या इसका लाभ हर एक व्यक्ति को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो आइए देखते हैं। स्वागत है मेरे YouTube चैनल डायनेमिक न्यूज पे, मैं हूं आपका दोस्त इरशाद। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कल रात पीएम ने अपने सीएम्स के साथ में जो बैठक की, उस बैठक में क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं और क्या क्या वार्तालाप जो हुई, और उसके अंदर जो बताया गया 20 लाख करोड़ पैकेज का जो पैकेज है, क्या ये सही है और क्या इसका बेनिफिट हर एक व्यक्ति को मिल पाएगा, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 20 लाख करोड़ के पैकेज की। तो जैसा कि आपने सुना, पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ पैकेज की सहायता की मदद की, ये किन किन लोगों में बटेगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में जाएगा, इसका बेनिफिट क्या हर एक व्यक्ति को मिल पाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि सरकार ने मजदूर वर्ग जो है, इस आपको एक चीज और बता देता हूं, सरकार ने पीएम मोदी ने 4L का यूज किया है। जैसे मैं बता देता हूं, लेबर, लैंड, लिक्विडिटी और लॉ, इन सभी पर पीएम मोदी ने फोकस किया है कि इनकी पावर, यानी ऐसा कहा जा सकता है कि इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए और इस क्षेत्र में आगे इनको बढ़ाया जाए। दूसरी बात हम बात करेंगे, सरकार गवर्नमेंट ने कहा, पीएम मोदी ने ये कहा कि हमें लोकल और वोकल पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। अब एक बात समझ में, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लोकल क्या है और वोकल क्या है, तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं। लोकल का मतलब है कि जो देश के अंदर प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है उन्हें लोकल कहा गया है, और वोकल का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा उन्हीं चीजों को, अपने देश में ही निर्मित चीजों को, जिसे बोल सकते हैं हम स्वदेशी चीजों को, ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। और इसके साथ साथ पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये आपदा जो है हमारे लिए एक अवसरवादी है, एक अवसर का मौका है, जिसकी वजह से हम पूरे देश के अंदर जो लोकल चीजें हैं, जो हमारे देश की निर्मित चीजें हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, हमें बाहरी चीजों से बचने की जरूरत है, बचा जा सकता है, के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है, 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड,
लेबर, लिक्विडिटी और लॉज, सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। बताता हूं कि ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो हमारे देश की जीडीपी का 10% है। अब जीडीपी क्या है, तो इसको इस बात से समझ लीजिए, जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में उत्पादित या मैन्युफैक्चरिंग किए जाने वाले प्रोडक्ट जो हैं, और उनसे जो सेल और अपन बोल सकते हैं मतलब खरीदना और बेचने का जो पूरा प्रॉफिट जो निकाला जाता है, वो इसी पर डिपेंड रहता है कि पूरे देश में साल भर में कितनी इनकम हुई है, वो जीडीपी होती है। तो अब हम बात करते हैं कि मोदी जी ने अपने भाषण के अंदर कुछ 5 पिलर्स के बारे में बात की। तो वो 5 पिलर्स क्या है, उन पिलर्स को मैं बताता हूं, उसके बाद में हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला पिलर जो बताया वो इकोनॉमिक, दूसरा पिलर जो बताया वो इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा जो है वो सिस्टम, फोर्थ जो है वो हमारा डेमोग्राफी, और फिफ्थ जो है वो था डिमांड। तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते हुए हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जो आर्थिक व्यवस्था है, वो पूरी की पूरी बिगड़ चुकी है। तो इसको सुधारने के लिए, इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सरकार ने इस पैकेज में से कुछ हिस्सा जो है वो इकोनॉमी के अंदर लगाया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सरकार जो है वो अलग अलग फैसिलिटीज जो है, हॉस्पिटैलिटीज जो है, पीपल्स को जो वेलफेयर प्रोग्राम्स जो है वो अवेयर जो भी प्रोवाइड करवा रही है, उनकी सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ फंड इसमें दिया जाएगा। थर्ड आता है हमारा सिस्टम। अब हमारा सिस्टम कैसा है कि जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं, उन डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उन्हें बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल करवाने के लिए कुछ फंड जो है वो सिस्टम में दिया जाएगा। फिर आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब है कि अलग अलग जगहों पर क्या क्या चीजें हैं और उनमें किस तरीके से सुधार किया जाए, उनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो डेमोग्राफी जो पॉइंट है उसमें कुछ फंड दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो डिमांड। डिमांड का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी जो है वो दूसरे प्रोडक्ट, दूसरी किसी कंपनी को अपना ऑर्डर देती है अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो डिमांड है। तो सरकार ने इस पे ज्यादा फोकस किया है कि इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स, इंडिया के प्रोडक्ट्स को ऐसा ब्रांड बनाया जाए कि जिससे अदर जो कंट्रीज की जो कंपनीज हैं वो हमें ऑर्डर दें, मतलब कि हमारे इंडियन प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज किया जाए, उसको ग्लोबल प्रोडक्ट बनाया जाए। बता हूं कि ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो हमारे देश की जीडीपी का 10% है।
अब जीडीपी क्या है, तो इसको इस बात से समझ लीजिए, जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में उत्पादित या मैन्युफैक्चरिंग किए जाने वाले प्रोडक्ट जो हैं, और उनसे जो सेल और अपन बोल सकते हैं मतलब खरीदना और बेचने का जो पूरा प्रॉफिट जो निकाला जाता है, वो इसी पर डिपेंड रहता है कि पूरे देश में साल भर में कितनी इनकम हुई है, वो जीडीपी होती है। तो अब हम बात करते हैं कि मोदी जी ने अपने भाषण के अंदर कुछ 5 पिलर्स के बारे में बात की। तो वो 5 पिलर्स क्या है, उन पिलर्स को मैं बताता हूं, उसके बाद में हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला पिलर जो बताया वो इकोनॉमिक, दूसरा पिलर जो बताया वो इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा जो है वो सिस्टम, फोर्थ जो है वो हमारा डेमोग्राफी, और फिफ्थ जो है वो था डिमांड। तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते हुए हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जो आर्थिक व्यवस्था है, वो पूरी की पूरी बिगड़ चुकी है। तो इसको सुधारने के लिए, इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सरकार ने इस पैकेज में से कुछ हिस्सा जो है वो इकोनॉमी के अंदर लगाया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सरकार जो है वो अलग अलग फैसिलिटीज जो है, हॉस्पिटैलिटीज जो है, पीपल्स को जो वेलफेयर प्रोग्राम्स जो है अवेयर जो भी प्रोवाइड करवा रही है, उनकी सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ फंड इसमें दिया जाएगा। थर्ड आता है हमारा सिस्टम। अब हमारा सिस्टम कैसा है कि जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं, उन डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उन्हें बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल करवाने के लिए कुछ फंड जो है वो सिस्टम में दिया जाएगा। फिर तो आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब है कि अलग अलग जगहों पर क्या क्या चीजें हैं और उनमें किस तरीके से सुधार किया जाए, उनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो डेमोग्राफी जो पॉइंट है उसमें कुछ फंड दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो डिमांड। डिमांड का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी जो है वो दूसरे प्रोडक्ट, दूसरी किसी कंपनी को अपना ऑर्डर देती है अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो डिमांड है। तो सरकार ने इस पे ज्यादा फोकस किया है कि इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स, इंडिया के प्रोडक्ट्स को ऐसा ब्रांड बनाया जाए कि जिससे अदर जो कंट्रीज की जो कंपनीज हैं वो हमें ऑर्डर दें, मतलब कि हमारे इंडियन प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज किया जाए, उसको ग्लोबल प्रोडक्ट बनाया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि जो फोर्थ लॉकडाउन जो रहेगा, फोर्थ फेज जो लॉकडाउन रहेगा, उसकी गाइडलाइन जो है वो आपको 15 से 17 के बीच में जो है वो जारी कर दी जाएगी। और उसके बाद में, और ये बात भी क्लियर थी कि जो ये जो लॉकडाउन रहेगा, इसकी सिचुएशन पहले जो 3 लॉकडाउन है उनसे ये बिल्कुल अलग नए रंग रूप में होगा। तो जो भी होगा वो आगे हम देखेंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो इस प्रकार की मोर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल डायनेमिक व्यूज से। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगे, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।